सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अभी 8 बजने वाले, घड़ी गलत चल रही है, उसमें 9 दिखा रहा है, बट अभी मैं तैयार हो रहा हूँ। सुबह ना पता 6 बजे से मैं एडिटिंग कर रहा था अपना शॉर्ट वीडियो, जो कि अभी अभी मैंने अपलोड कर दिया है। यार मेरा फोन भी पूरा चार्ज नहीं हो पाया है, और अभी शरद भी नीचे आ गया, बहुत देर से खड़ा हुआ है। कहाँ गया? उधर ही कहीं खड़ा हुआ है। और मैं ही लेट करवा रहा हूँ, हमारा निकलने का था सुबह 7 बजे का, बट अभी लेट हो गए थोड़ा सा। तो भाई हम दोनों के घर पे अभी खाने का कुछ भी नहीं बना रहा इतने सुबह सुबह, तो पोहा खा के जा रहे हैं। टेस्ट ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो भाई अभी हम आ गए हैं हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर रहू के आगे, मऊ के आगे थोड़ा सा आगे, पूरा जंगल जंगल है। यहाँ से भी हमको ट्रेन मिलेगी, शायद वो ही ट्रेन दिख रही है यहाँ से। देखो ये वाटर क्रॉसिंग, देख रहे हो लद्दाख में, देखी होगी आप। और शूज गीले हो गए भाई, को ऐसा वीडियो चाहिए कि लद्दाख में आया हुआ पानी में से गाड़ी निकालेगा अभी। वो एकदम यूनिक डिजाइन, पता नहीं क्या चीज है पर डिजाइन है। टिकट लेने के लिए कोई भी नहीं है। इधर अपनी ट्रेन खड़ी हुई है और अभी से प्यास लग रही है बहुत ही ज्यादा, भूख भी लग रही है, कुछ खाया नहीं, बस पोहा खाया। टिकट भी वेटिंग लिस्ट का है, सीट नहीं मिलेगी। ले भाई ये अपनी पुरानी ट्रेन, ये नई ट्रेन, याली अपनी चलती याली अब चलती। रिस्टोर करी हुई है। अच्छा सेम ही है, रिस्टोर करी हुई है। पुरानी पुरानी सीटें लकड़ी की, एकदम कुछ गद्दे वद्दे नहीं लगे हुए। यहाँ से अपन कूद के बाहर जा सकते हैं। गरम लग गया, गरम बहुत हो रही है आज। हमको लग रहा था कि धूप नहीं रहेगी, फिर भी धूप हो। तो भाई आज हम जिस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं वो लगभग आज से 150 साल पुरानी ट्रेन है। वो लगभग आज से 150 सालों से चल रही है ये ट्रेन। पहले अकोला से लेकर हैदराबाद तक चलती थी, जिसका नाम शायद कुछ मीनाक्षी एक्सप्रेस करके कुछ था, लेकिन अब ये ट्रैक सिर्फ पातालपानी से कालापुर तक ही रह गया, और यही ये ट्रेन की हिस्ट्री है। बैकग्राउंड में बच्चे हो रहे हैं, ऐसी आवाज आ रही है। ये ट्रेन निकलती है यहाँ से 11 बजे, और 11 तो बज गई। तो सब सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं। हाँ मतलब इस ट्रेन की जो वैल्यू है ना, ये एक ट्रेन से ज्यादा है, ये इतिहास का हिस्सा, बहुत बढ़िया हिस्सा। ओ चलने लगी ट्रेन भाई, बहुत धीरे चल रही है ट्रेन, इतनी स्पीड में चलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, ये 100 की स्पीड पे। अभी कम से कम 2 किलोमीटर आए होंगे हम, और वो स्टेशन आ गया 4 किलोमीटर। वो पहुंच गए, हमारे लिए स्टेशन ही नहीं है, बस एसी वालों के लिए स्टेशन है इधर, वहाँ तक चल के जाएंगे। अब यहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन लोग है क्या, तो सीढ़ी वीढ़ी लगा के जब भी यहाँ से कोई भी ट्रेन निकलती है ना, पहले भी और आज भी, तो यहाँ पे माला चढ़ा के निकलती है, क्योंकि इधर के मतलब इधर के लोग बोलते नहीं तो ट्रेन हाथ से वो हो जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी यहाँ पे, इसीलिए हर बार माला चढ़ा के निकलती है कोई भी ट्रेन। पहले 150 सालों से यही चल रहा। हमने लिया है गर्मी में गन्ने का जूस, देखो वहाँ पे वो खाई है जो पाताल पानी है, तो वहाँ पे दिखेगा क्या बोलते हैं उसको, झरना। चीयर्स। तो भाई बारिश के टाइम पे आते ना, तो यहाँ पे भुट्टे वगैरह खा सकते थे, बट अभी ऑलरेडी इतनी गर्मी लग रही है तो कुछ गर्म खाने की इच्छा नहीं हो रही है। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, एक बार एसी में चढ़ के आ जाते हैं बस। और क्या भाई, हमने हमारा इंटीरियर तो देख लिया जिसमें हम आए थे, अभी ये एसी वाला देख लो, यहाँ पे बढ़िया एसी का है, चार्जिंग है, फैन है, सीट भी बढ़िया है गद्दे वाली, अपने में तो लकड़ी की सीट थी, पर इसका चार्ज कितना, 200 पर पर्सन, 265। और अपने का कितना, 20 रुपये। भाई यहाँ पे पता है शेर वेर भी है, यहाँ पे नहीं है, थोड़ा दूर है, लेपर्ड वगैरह, तो पूरा खाली। हम यहाँ पे पटरी पे भी घूम सकते हैं, वहाँ पे इंजन पे भी चढ़ सकते हैं, अभी एक दो बार चढ़ जाएंगे। वो
पूरा नीचे साफ, यहाँ से घिसड़ के नीचे जा सकते एकदम नीचे। भाई निकल गए पाताल पानी से। पाताल पानी को पाताल पानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जहाँ पानी गिरता है वो इतना गहरा है कि लोग कभी नाप नहीं पाए, इसलिए उसका नाम पाताल पानी रख दिया गया। क्योंकि वो ऐसा लोगों का मानना है कि सीधा पानी पाताल में चले जाता है। वो देखो नीचे पाताल। भाई दूसरा स्टॉप आ गया, यहाँ पे गाड़ी 20 मिनट रुकेगी पूरे। वो बढ़िया व्यू है, ये देखो बीच में से नदी, जैसे ड्राइंग बनाते हैं ना अपन पहाड़ के बीच में से नदी निकल रही है। दो भाई नीचे देखो, एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो ये कितना गहरा। टाइट पकड़ लेता हूँ फोन को, गिर जाएगा कभी। ये देखो ये वाला जो ब्रिज था ना, ये था 1800 कुछ में, ये टूट गया था बाढ़ की वजह से। इतना इतना पानी भर गया था जितना ये पिलर है। भाई बहुत भूख लग रही है लपक के, भाई पेट दुखने लगा भूख के कारण। कोई यहाँ पे अगर कोई खाने की दुकान खोल ले ना एकदम बढ़िया चलेगा। लाएगा कहाँ से, ट्रेन से रोड वेज कुछ भी नहीं है। अब तो बिठा लो एसी में। कितने बजे जाएगी ये ट्रेन? 3:30। 3:30 भाई बहुत टाइम है यार, अभी तो बहुत देर रुकी है। भाई एक यहाँ का स्पेशल कुछ लिया है कलाकंद, जो कि मिठाई जैसा लग रहा है नॉर्मली। अरे इनके पास ऐसा का सेम सिक्का वाला भी था, 500 रुपए का ये सब पूरा। ये ट्रेन छोटी लाइन के घर से 150 साल पुरानी में जंजर में। नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, वापस ही जाऊंगा। मेरा आया था 400 रुपए। अरे वेटिंग में पता, ये जो डी कोच रहता ना, ये जनरली माना जाता है, रिजर्वेशन नहीं है कुछ। भैया यहाँ का स्पेशल टेस्ट करके देखते क्या है। खाना पीना नहीं, सेम मिल्क केक सेम। भाई पूरा स्टेशन घूम लिया, कुछ खाने का नहीं दिख रहा कहीं पर भी, एक दुकान नहीं है दूर दूर तक। बस एक कचौड़ी मिली 10 रुपए की, वो भी आखिरी 2 कचौड़ी थी। हमारा अभी 700 रुपए का टिकट बना है, जो कि आता है 20-25 रुपए का आता है पर पर्सन, पर हमने दिए 700 रुपए। क्यों? क्योंकि वेटिंग लिस्ट मान्य नहीं रहती, और मेरे को नहीं लगता कि ये इंडियन रेलवे ने गलत किया। अभी ये गाड़ी कहाँ से लाया? अपन भी आ सकते थे। कुछ खाने की तलाश में, कुछ मिल नहीं रहा, पर खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा, दूर दूर तक। इस सामने इतना बड़ा पहाड़, वीडियो में छोटा लग रहा है पर बहुत बड़ा पहाड़ है। अंकल जी पानी पिला दीजिए। पानी सामने रखा है पर पी नहीं सकते। देखो वहाँ पे लोग नहा भी रहे कहीं कहीं पर, एकदम एक दूर दूर भी है। इतने अच्छे शूज की ऑफ रोडिंग कर दी आज, पूरे शूज की 12 बज गई। भाई ध्यान से देखो इधर कितने सारे मच्छर। अभी मैं पाँव डालने गया पानी में, हमने शूज उतार के और मच्छर एकदम से सब आ गए। बाकी उनका देखो जो पूरे पानी में लेटे हुए, उनके पास कितने मच्छर होंगे। तो ये तो कुछ भाई पता चल गया कहाँ से आई है। देखो इधर ये जो चिपके हुए ना काले काले, ये पूरे चिपके हुए उस पे कॉकरोच जैसे, ये पूरे के पूरे। झिंगूर है, झिंगूर कॉकरोच। हाँ वही झिंगूर, वो तपस्या करता हुआ। 500 रुपए हमने सोचा इतना पैसा बहुत, कुछ खाएंगे बढ़िया सा यहाँ से निकल के। पर इधर तो ट्रैकिंग करते रह जाओ बस। अभी ऊपर ब्रिज पे जा रहे हैं, अभी ब्रिज पे से देखते कुछ दिख जाए अच्छा सा। वही खाने का तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो जाम ही ले लिया, इससे ही पेट भर लेंगे वहाँ तक के। अभी भी 1.5 घंटा बाकी है अभी ट्रेन निकलने के लिए। बचे हुए टाइम में हम यहाँ पे झूला ही झूलते रह गए। अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ आओगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, और बारिश के टाइम पे आओगे ना तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा आपको यहाँ पे। ये ले भाई का फोन आ गया। ये भाई लोग ऑनलाइन क्यों नहीं आए थे? नेटवर्क तो आ नहीं रहा, नेटवर्क कुछ भी नहीं, खाने पीने का कुछ भी नहीं, पीना पानी था बट वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो देख लेना, शॉर्ट्स आके देख लेना, शॉर्ट्स में मैंने पूरा बताया हुआ आपको। बाय।